ओवैसी साहब के आने से बंगाल में इफेक्ट पड़ेगा। ओवैसी साहब आए, अपना काम करें और जाए। बंगाल की जनता ममता बनर्जी के साथ थी, है और रहेगी। बीजेपी हिंदू दर विभाजन करे, डिवाइड करे, और ओवैसी मुसलमान दर विभाजन करे, जन्ने दोनों ही खेला होच्छे। भारतीय जनता पार्टी का इधर कोई संगठन नहीं है। यहाँ पे 79,000 बूथ है। उन लोग को पूछिए तो बूथ का वर्कर है, चुनाव के दिन में बूथ का एजेंट देने से गया। दिल्ली से इम्पोर्टेड लीडर लेके कलकत्ता में और बंगाल में लड़ाई नहीं होता है। हम लोग सीपीएम के साथ 34 साल। सर ये बताएं कि आज जिस तरह से देखी जा रही है पश्चिम बंगाल की सरजमीन पे, आज इस तरह का मैं माहौल देख रहा हूँ कि देख रहे हैं कि मस्जिदें भी बन रही हैं, मंदिरें भी बन रही हैं, सब कुछ बन रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाते रहती है कि ममता बनर्जी का झुकाव मुस्लिम की तरफ है। इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ममता बनर्जी का झुकाव सबकी तरफ है, पूरे बंगाल के लोगों की तरफ है, चाहे वो भूटिया हों, चाहे लेप्चा हों, चाहे वो झाड़ग्राम के सौताल हों, चाहे वो क्या नाम है बंगाल के आदिवासी हों, चाहे वो संख्या लोगों के मुसलमान हों, चाहे क्रिश्चन हों, सबके लिए उनका दिल धड़कता है। और यही बात है कि आज ममता बनर्जी का जो क्या नाम है सम्मान है, पॉपुलरिटी है, बंगाल में किसी और लीडर का नहीं है, चाहे वो दिल्ली से इम्पोर्ट करके आए चाहे और कहीं से भी आए। वो सम्मान, वो मोहब्बत जो बंगाल के लोगों का ममता बनर्जी के लिए, वो किसी और के लिए नहीं है। सर, ये बंगाल के फिजाओं को क्या खराब करने की कोशिश की जा रही है क्या? बीजेपी हमेशा से कोशिश करती है। दिलीप घोष रोज बोलते हैं लेकिन उनकी बात कौन सुनता है? बंगाल के लोग पढ़े लिखे हैं, शांति प्रिय लोग हैं। वो लोग क्या नाम है दिलीप घोष हो या अमित शाह के बातों पर नहीं चलते हैं, बल्कि वो लोग देखते हैं कि बंगाल के लिए कौन अच्छा कर रहा है, बंगाल के लिए कौन रहने से अच्छा हुआ, उसके साथ हैं वो लोग। आखिरी सवाल से, असदुद्दीन अवैसी साहब हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि मैं पश्चिम बंगाल में आऊँगा, इसमें कितना इफेक्ट पड़ेगा सर? वक्त ही बताएगा, लेकिन मैं ये कहूँगा वो अवैसी जो है बीजेपी के बी टीम है, और वो क्या नाम है मुसलमानों के हक में कोई अच्छा काम नहीं करते हैं, बल्कि मुसलमानों को बीजेपी की तरह तोड़ने में, जोड़ने में नहीं है, तोड़ने में लगे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। भारतीय जनता पार्टी का इधर कोई संगठन नहीं है। यहाँ पे 79,000 बूथ है। उन लोग को पूछिए तो बूथ का वर्कर है, चुनाव के दिन में बूथ का एजेंट देने से गया। दिल्ली से इम्पोर्टेड लीडर लेके कलकत्ता में और बंगाल में लड़ाई नहीं होता है। हम लोग सीपीएम के साथ 34 साल लड़े हैं, सीपीएम को हटाया, पॉलिटिक्स में चुनाव में जीता है, तब ना हम लोग जीत इधर आया। उन लोग को बहुत सारे टाइम लगेगा कुछ करने के लिए, इतना सस्ता नहीं है। बीजेपी के बारे में बोलते हैं हिंदुत्व राजनीति करे बीजेपी और मुस्लिम राजनीति करे तृणमूल। আমি ব্রাহ্মণ ঘরের সন্তান, আমার আমি গায়ত্রী জপ করি, আমরা ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করি না। ভারতবর্ষ একটা ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র, সারা পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হলো বাংলা। বিজেপির কথার কোনো ভ্যালু নেই, ভ্যালুলেস কথা বলে বিজেপি। বিজেপি হ্যাজ নো ফেথ, এইটুকু বলতে। অমিত শাহ বারবার রাজ্যে আসছে, এই নিয়ে কি মত? অমিত শাহ দিয়ে হবে না, এটা রবীন্দ্রনাথের মাটি, নজরুলের মাটি, সুকান্তের মাটি, এ বাংলার মাটিতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, নেতাজি সুভাষচন্দ্র, ঋষি অরবিন্দ, মাতঙ্গিনী হালদার জন্ম হয়। কি অমিত শাহ বলুন তো, কি জানে বাংলা, কি জানে ভারতবর্ষের, কি জানে বাংলার সংস্কৃতি, কি জানে বাংলার ইতিহাস, ভূগোল, কিছু জানে না। গুজরাটের লোক দিয়ে বাংলায় কিছু হবে না। 200 আসন নিয়ে আসবে বিজেপি দাবি করছে, 20টা পেলে হবে, অনেক পেয়ে গেল। বিজেপি হিন্দুদের বিভাজন করে, ডিভাইড করে, আর ওবিসি মুসলমানদের বিভাজন করার জন্য দুটোই খেলা হচ্ছে। বিশামুন্ডের মূর্তি চাই, আজকে আমি দাদা বিশামুন্ডের মূর্তি চাই না, যে সে আবার কি করবে দাদা? আজকে যে এখানে মন্দিরের উদ্ঘাটন হলো, তো এই বিষয়ে আমার দর্শকদের একটু বলেন বিষয়টা। আজকে এই মন্দিরটা অনেকদিন থেকে যে কিরম, যে আমাদের ব্রিজ হওয়ার পরে মন্দিরে একটু অসুখ অবস্থা খারাপ ছিল, সেখানে নতুন করে মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে। এই মন্দিরটা এই অঞ্চলের পুরনো মন্দির, একে পুনর্নির্মাণ করে আজকে অঞ্চলের মানুষের যা ডিমান্ড ছিল সেটা পূরণ করা। আমরা কোনো ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করি না, কিন্তু আজকে একটা জিনিস প্রমাণ করেছি, হিন্দু মুসলিম সব একসঙ্গে চলতে পারে, একটা হিন্দুর মন্দির একজন মুসলমান নির্মাণ করতে পারে, সেটাই বার্তা সারা বিশ্বকে আমরা দিচ্ছি।
মন্দির জাবেদদা সুন্দর করে উদ্বোধন করে দিয়েছেন সাধারণ মানুষের জন্য। জাবেদদা প্রচুর কাজ করেন, তার মধ্যে মন্দিরও করেন, মসজিদও করেন, গির্জাও করেন, সব ধর্মের মানুষকে নিয়ে উনি চলেন। এবং আজকে এই সুযোগ করে দিলেন এই অঞ্চলের মানুষের জন্য, এই মন্দির মানুষের মন্দির, সেটাকে উনি নিজস্ব তহবিলের থেকে তিনি করে দিয়েছেন। এর আগে শুনেছি গরু দিয়ে কি সোনা বেরোচ্ছে, আবার নাকি কি শিক্ষা দেবেন, দীক্ষা দেবেন, পিটাবেন, মার্ডার করবেন, এইসব লোকের ভিত্তিহীন কথার মানে কেন্দ্র করে আমার কোনো বক্তব্য, আমি মনে করি যে আমার বক্তব্যটা দেওয়াই আমাকে ছোট করা হবে। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বারবার রাজ্যে আসছে এবং বলছে 200 আসনে সিট আনবে এবার বিজেপি, এই বিষয়ে তোমার কি মন্তব্য? সেটা পশ্চিমবাংলা মানুষ ঠিক করবে, কে 200 সিট পাবে কে পাবে না সেটা আগামী দিন দেখা যাবে। পশ্চিমবাংলার মাটি এত সহজ মাটি নয়, এই মাটি হচ্ছে রবীন্দ্র নজরুলের মাটি, এই এই মাটি হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দের মাটি, এই মাটি হচ্ছে নেতাজির মাটি। ओवैसी साहब के आने से बंगाल में इफेक्ट पड़ेगा, ओवैसी साहब आए अपना काम करे और जाए। बंगाल की जनता ममता बनर्जी के साथ थी, है और रहेगी। थैंक यू।